बीजेपी का सदस्यता अभियान रफ्तार पकड़ रहा है। जहां इंदौर जिले में सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सदस्यता अभियान को लेकर आयोजित हुई समीक्षा बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा, जिला प्रभारी राय सिंह सेंधव, सदस्यता अभियान प्रभारी सुनील तिवारी, घनश्याम नारौलिया, अंतर दयाल, वीरेंद्र अंजना, सतीश मालवीय, संभागीय कार्यालय मंत्री विष्णु प्रसाद शुक्ला, सुभाष पाटीदार, सुनैना बियानी, अनुराधा जोशी, वरुण पाल, मुकेश जरिया आदि उपस्थित थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पीडी शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इंदौर जिले में चिंटू जी के नेतृत्व, इस पूरी टीम में बधाई और आभार मानता हूँ कि जो सदस्यता का जो संकल्प आपने पूरा किया है, पूरी भाजपा इन योद्धाओं कभी जीवन में नहीं। जितने मंच में बैठे हैं, शंकर जी पूर हो सकते हैं, तुलसी सिलावट पूर हो सकते हैं, पर मेरा ये योद्धा, ये भाजपा की कार्यकर्ताओं की पार्टी, वो शक्ति आपके पास है। विश्व पटल पर जो स्थान भारतीय जनता पार्टी का बना है, वो श्रेय आपको जाता है। एक बार में तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने हमारे देश के गौरव विश्व के नेता मोदी जी, इसकी भी बधाई और आभार। तीन बार के लिए मैं आभार मानूंगा, 2020 सेमीफाइनल, 2023 और 24 में सारे इतिहास तोड़ दिए। चिंटू जी बोलते हैं कि आपको 80% मैंने कहा हमने गलती की, संकट भी 1,57,000 से जा बैठे, लेकिन पर मैं जिले के अध्यक्ष को पूरी सावेर के योद्धाओं की ओर से, क्योंकि जितने योद्धा बैठे थे सबसे छोटा कार्यकर्ता, जितने भी आप जितने बैठे सबके नेतृत्व में शुक्ला जी मैं काम करता हूँ। क्यों पंडित जी, वैसे इसलिए मैं तो हमेशा इस जो हमारा ये मंदिर है भाजपा का, हमेशा मंदिर में जीतता हूँ और कुछ करने की कोशिश करता हूँ। मेरा जितने भी योद्धा बैठे हैं मैं बधाई देता हूँ कि टॉप 10 में मध्य प्रदेश में जितनी 1 नंबर 2 नंबर और सब है, तीन ही है ना, इसलिए आपको बधाई और आभार। उस निर्देश का पालन करते हुए प्रत्येक मंडल में 1,000, 10,000, 10,000 सप्ताह बनाना है, तो अब एक मंडल में 10,000 बनाना है तो 1-5 दिन के अंदर, 5 दिन का समय दिया आपने, तो 5 दिन के हिसाब से एक दिन में कितने बनाया जाए एक मंडल में 2,000। अब 2,000 बनाने के लिए अपने योजना किसे बनानी पड़ेगी, हमारा मंडल की बैठक मिलाकर 2,000 का लक्ष्य तय करने के लिए प्रतिदिन, जो ये प्रतिदिन है बैठक मिला के कार्यकर्ताओं को काम बांट दे और काम बांट के उनको बता दे कि हमको 2,000 करना है। क्या रहता है कि प्रतिदिन का लक्ष्य रहता है ना, तो हमें ध्यान रखना कि हमको आज 500 बनाना है। अब आप कार्यकर्ता की जवाबदारी तय कर लेंगे, उसको लगेगा आज 300 बनाना, मेरे 200 के लिए 100 हाथ कम बन गए, अब कल मैं 400 बनाऊंगा 300 की जगह। तो जब लक्ष्य तय होता है तो लक्ष्य के आधार पर कार्यकर्ता फिर काम में लग जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे अभी अध्यक्ष जी ने हमें लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य को लेकर अपने मंडल में भी लक्ष्य तय कर दें कि प्रतिदिन कितना बनना है और उससे बने कि नहीं बने उसकी चिंता कर रहे हैं। क्योंकि अब तो आ रही रिपोर्ट, अभी रिपोर्ट में भी देख रहा था, हमारे पास भी आज रात को तो बैठक भी है, आज रात को प्रदेश अध्यक्ष की प्रदेश संगठन राज्य संगठन 2:30 बजे भी है, उसके बाद विधायक और सांसद की फिर उसकी लगी लगाई दूसरी 9 बजे भी है, तो उसमें सबका आंकड़ा आता है, पूरे प्रदेश में चर्चा होती है। ये बात अच्छी है कि हम इंदौर की स्थिति में, लेकिन उनकी अपेक्षा भी बहुत है, क्योंकि इंदौर ने जो जिस प्रकार से 9 विधानसभा 1 लोकसभा में रिकॉर्ड बनाया है, तो पूरे देश की अपेक्षा इंदौर से, प्रदेश की अपेक्षा इंदौर से, और इंदौर की अपेक्षा करेंगे आपसे। तो मेरा आपसे निवेदन है हम लक्ष्य तय करके अभी से लग जाए और पूरे प्रदेश में नंबर 1 आएगा तो हमारा ग्रामीण जिला आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
इंदौर जिले में फिलहाल बीजेपी का सदस्यता अभियान रफ्तार पकड़ रहा है, जहां लगातार अभियान में सदस्य बनने का सिलसिला जारी है। एक एक मंडल में हमको 40 लोगों को ढूंढना है, जो 200 बनाते हैं। कितने ढूंढना है? 40 बनाते हैं। कर सकते हैं क्या ऐसा? क्यों कर दिया? क्या करना चाहिए बताइए आपको? कर सकते हैं? जीते भैया बताइए क्या तरीका, मतलब इजी गोइंग कैसे हो सकता है? मतलब हमको हर बूथ पे जाना है, हर समाज में जाना है, हर तबके के पास जाना है, सबके पास जाना है, सबको जोड़ना है, लेकिन इसके अलावा हमारा टारगेट बहुत आसानी से पूरा कैसे हो? क्या हम नए 40 नाम हमारे मंडल के पदाधिकारी कितने होते हैं? 61 लोगों की मंडल की कार्यकारिणी होती है। हमारे यहाँ जिला पंचायत के सदस्य हैं। वैसे तो हमने आग्रह किया था कुछ लोग ऐसे भी अपने जिला बताने का मना किया है, तो आप लोग सब समर्थमान हैं। जिला पंचायत के सदस्य माखन भैया बैठे हैं, रामेश्वर जी बैठे हैं। भाई जिला पंचायत के सदस्य बहुत आसानी से 1000 बना सकते हैं, जनपद के सदस्य 500 बना सकते हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हमारे विजय भैया बैठे हैं, है ना, रहु से ये बना सकते हैं, संदीप चंडेड़े जी आए हैं, संदीप भैया अब जैसे इतने दत्तार नगर पालिका अध्यक्ष हैं, सिस्टम है इनके पास, तो ये तो 2000 इजी गोइंग में बना सकते हैं। तो जो सामर्थ्यवान है, जैसे हम लोग मंदिर के लिए दान मांगते हैं, 24 मंदिर हमने 1-1 रुपये इकट्ठा करके लोगों से दान मांग के काम किया, तो हम लोगों से बात करते जाते थे, तो हम क्या करते थे कि चीटी को पेंट भर जिसमें छोटा है बेचारा कर नहीं सकता उसे छोटा मान, और जिसका हाथी जैसा स्वरूप है तो हाथी को मन भर और चीटी को पेंट भर। जैसे हमने मैं सतीश वाजी जी के पीछे पड़ा गया, आप जिला पंचायत के अध्यक्ष हो बना हो ज्यादा, तो लोगों को बुरा भी लगा। मैंने पहुंचे हुए जिला अध्यक्षों से बोला यार थोड़ी पूरे जिले में टोली बनाओ, बुरा भी लगा ठीक, मतलब मेरा किसी से व्यक्तिगत भी वो भी है, लेकिन हमारी लीडरशिप कैसे हो रही थी। हमने लोकसभा में बहुत अच्छा काम किया, माननीय सांसद जी हमारे सामने हैं, देश ने हमारा नाम पढ़ा। अब जब हम आने वाले समय में किसी को मंडल का अध्यक्ष बनना हो, किसी को जिले का अध्यक्ष बनना हो, किसी को प्रदेश में पदाधिकारी बनना हो, किसी को आईपीसी बैंक का अध्यक्ष बनना हो, आईपीसी में डायरेक्टर बनना हो, या कुछ भी बनना हो, आप अगर किसी के पास जाएंगे और कोई आपसे पूछेगा कि साहब मैंने बहुत काम किया मुझे जिले का अध्यक्ष बना दो, तो आपसे कहेंगे कि आपके रेफर आईडी पे बताओ। अगर किसी को जिले का अध्यक्ष बनना हो और अगर वो उसकी रिपीट आईडी पे अगर 5000 नहीं बना सके तो क्या संगठन उसको एक्सेप्ट करेगा? किसी को मंडल का अध्यक्ष बनना हो और उसकी रिपीट। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी में इन दिनों बीजेपी का सदस्यता अभियान रफ्तार पकड़ रहा है, जहां इंदौर जिले में सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।